जय जय बजरंगबली राम 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 निकल गई निकल गई निकल गई। अरे बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया निकल गई। राम राम राम। तो सुबह की गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हो चुका है नेक्स्ट डे। तो आज हम आ चुके हैं यहाँ पे देहरादून के अंदर। हमारा प्लान था हरिद्वार जाने का, लेकिन हम आ गए हैं सीधा देहरादून के अंदर। अब हम यहाँ से जाएंगे, अब जो भी नाम है राधारा जो भी था मैं लिख दूंगा, जो भी नाम होगा वहाँ जाएंगे। वहाँ 7 तरह के पानी आते हैं, मिलते हैं, और वहाँ पे जैसे किसी को बीमारी होती है ना स्किन की, तो बीमारी वहाँ से दूर हो सकती है उस पानी में खाने से। वो देखो सामने पहाड़, तो यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे, और यहाँ पे इस रोड पे इस रात में टाइगर घूमते हैं। इस रोड पे रात में टाइगर घूमते हैं, और वहाँ सामने जंगल है उधर सामने। इस रोड पे थोड़ा सा आगे जाके हमने पहाड़ों पे कहीं जाना है, उधर वाले पहाड़ों पे जाना है। तो स्कूटी पूरी हमने कोल्ड स्टार्ट कर रहे हैं अभी, और हमने सारा सामान, दीपक ने अपना वाटरप्रूफ पहन लिया है, मैंने भी अपना वाटरप्रूफ इनको पहन लिया है। स्कूटी हमने चौक लगा के स्टार्ट कर दिया, अपनी बन्नी में सामान डाल लिया है हमने, जो हमारा कपड़े पड़े थे लीड वगैरह पड़े हैं, मैंने कैमरा का चार्जर इसमें लगा दिया है, इसे भी कर लेते हैं पैक। तो ये भी हो गया है अब पैक। ने अपना फ़ोन वाटरप्रूफ के अंदर डाल लिया है, तो मेरा गूगल मैप चल रहा है, देख सकते हो यार, ठीक है। तो टाटा। तो यहाँ से हम निकल रहे हैं, और देखो रोड चेक कर सकते हो भाई, यहाँ पे घर एक एक मंजिल के हैं, और बहुत प्यारा व्यू है यहाँ का। मेरे इस पर मैप ना पड़े, वो पानी ना पड़े, अगर पानी पड़ जाएगा तो बहुत गंदा सीन हो जाएगा। तो यहाँ पे पुलिस वाले रहते हैं रात में, तो ये देख रहे हो ये बैरियर लगा देते हैं वो रात में। तो ये बैरियर है चेक पोस्ट सैन चौकी। तो ये जंगल स्टार्ट हो गया है यहाँ पे, ठीक है, अभी चारों तरफ जंगल ही जंगल है। तो यहाँ से चलते हैं फटाफट से, जंगलों को लाइक करके जाना अगर भाई वीडियो आपको अच्छी लगती हो ना, अगर हम ऐसी ट्रिप करें तो वीडियो को लाइक कर देना यार, बड़ी दिल को खुशी सी होती है, मतलब यार मतलब कोई हमें सपोर्ट तो कर रहा है, तो वीडियो को लाइक कर देना भाई एक तरह मेरी तरफ से यार। तो सामने चेक कर सकते हो आप भाई, क्या व्यू है भाई, व्यू देखो व्यू। मीरा वाला में ये गांव है, और ये चारों तरफ इसमें हरियाली हरियाली है। इस टाइम पे हमने वेदर खोल लिया है अपना, क्यों भाई बारिश पड़ के हल्की हल्की पड़ने लगी है अब यहाँ पे, और सामने मेरे बिल्कुल पहाड़ हैं, वो भी बादलों से घिरे हुए, ठीक है। उधर तो बहुत ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं, अब आगे जाके मसूरे में बर्फ ना पड़ने लगे, नहीं तो फिर वाटर स्नोफॉल भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन यार शूट आ रहा होगा, टैंगल आ रहा, बारिश पड़ रही है खूब दबा के यार, फिर से यार ये की बात है क्या यार, रात में ना पड़े बस यार, दिक्कत हो जाएगी रात में, अगर बारिश पड़ने लगी तो बहुत दिक्कत होने वाली है हमको। और वेदर बंद करके फिर से चला रहा हूँ मैं, फिर से वेदर बंद करा है, बारिश तेज हो गई है, आपको मार्क में जाती है फिर बारिश, मैंने वेदर बंद कर लिया है, घूमना पड़ गई हो लेंस के ऊपर, नहीं पड़ी। और पहाड़ों की ढलान आ रखी है, तो भाई अगर आप इधर आ रहे हो तो भाई देख के चलाना, नहीं तो आपकी हालत ख़राब हो सकती है। मेरे ख्याल से मेरे रेनकोट के अंदर पानी जाने लगा है मेरे ख्याल से। तो हम सरस्त्र धारा की एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रोड है कच्ची कच्ची जाएगी अब पहाड़ों के ऊपर, ये ऊपर थोड़ी सी रखी है लेकिन यहाँ थोड़ी सी कच्ची है, और थोड़ी गाड़ी वाले अंकल थोड़ा हकला रहे हैं गाड़ी को निकालने से, हम रुक जाते हैं भाई कहीं हमें भिगो देंगे अंकल, ठीक है। तो निकलते हैं, जय जय बजरंगबली राम 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 राम। निकल गई निकल गई निकल गई। अरे बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया निकल गई, राम 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 राम। वो सौकर ये रोड बन रही है अभी, यहाँ बनी नहीं है, तो बन जाएगी तो बहुत अच्छा रुक होगा यहाँ रोड का। तो ये लोग देखो भाई सूर्य निकलता जा रहा है, लेकिन आगे कहीं बादल हैं तो बहुत तगड़ी बारिश पड़ रही होगी, तो अभी से हम तैयारी करके चल रहे हैं रेनकोट पहन के। सस्ते धारा का सारा मिला हुआ पानी जो बहता हुआ जा रहा है आगे से, ठीक है। तो ये ज़्यादा पानी आगे बहता हुआ तक, तो इधर जाना है हमको, उधर से बहती जा रही है तो उधर चलते हैं, तो आगे आपको चल के दिखाते हैं। सस्त्र धारा इधर ही जाना है हमको बबुआ। कुछ फोटो खींची है, तो पहले वो फोटो एंजॉय कर लो आप, ठीक है। थोड़ी आवाज़ कम आ रही होगी, थोड़ा पास में आके बोलता हूँ। तो मेरी हमने फोटो खींची है, तो पहले वो फोटो चेक कर लो, और फिर हम बताते हैं आपको गुफाओं में, चल के बताते हैं कि गुफाओं में है क्या क्या, ठीक है। गुफाएं हमारे पीछे हैं, यहाँ से रास्ता जा रहा है, मैं दिखाऊँ आपको। तो ये रास्ता जा रहा है यहाँ से, तो यहाँ से हमें जाना है गुफाओं के लिए, ऊपर चला जाएगा रास्ता। तो यहाँ से भी ये गुफाओं का पानी आ रहा है, ठीक है, और ये सारी गुफाओं का पानी यहाँ पे मिल जाता है। इधर जो बने हो ना, ये नहाने का है, तो यहाँ नहाने का सिस्टम है, तो यहाँ नहाएंगे भी अभी हम, तो दुनिया नहाए ना नहाए, लेकिन हम जरूर नहाएंगे और इसमें से निकल के, ठीक है। अंदर वो गुफा का रास्ता है यहाँ से, उधर से जाने का रास्ता है, तो फटाफट से सीढ़ियाँ हैं, ऊपर चलते हैं, गुफा का पानी आ रहा है, चलो आपको दिखाते हैं अंदर से, आ जाओ। जिसमें से पानी आ रहा है, ठीक है, देखो पानी टपक रहा है अंदर अंदर, और थोड़ा जूम मार के दिखाता हूँ, पानी थोड़ा नीले नीले दिख रहा होगा आपको, देख लो पानी टपक रहा है ऊपर से। एक गुफा, ठीक है, दूसरी गुफा ये रही, पहली गुफा हमने आपको वहाँ दिखा दी थी नीचे, और दूसरी गुफा ये रही, तीसरी गुफा ये रही, ठीक है। और ऊपर एक गुफा है बड़ी वाली, उसमें आपको दिखा देते हैं, ठीक है। इसमें पानी टपक रहा है लेकिन अंदर जा नहीं सकते, क्योंकि देख रहे हो ये अंदर जाने का रास्ता ही नहीं है इसके अंदर। तो चलो आप ऊपर वाली गुफा दिखा देते हैं, हम आपको चेक करके बताते हैं कौन सी गुफा है ये वाली। हाँ ये है गुफा, मैं आपको दिखा देता हूँ, आ जाओ आप अंदर, आ जाओ आप मेरे साथ, चलो करने की कोई बात नहीं, थोड़ा सा भीग जाएंगे हम, लेकिन हम दिखाएंगे जरूर आपको।
अंदर जाने का रास्ता है, लेकिन देखना पड़ेगा, हम भीगे नहीं भीगे। तो ये देख सकते हो पानी टपक रहा है, ये अंदर जाने का रास्ता है इसमें से, और छोटी छोटी गुफाएं बहुत सारी हैं इसमें। लेकिन मैं चेक कर लेता हूँ, फिसलने वाला तो रास्ता नहीं है, चेक करते हैं अंदर चल के थोड़ा सा। मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि कोई जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा मुझे इसमें, और हम जाएँ और फिर फंस फंसा ना जाए। दो गुफाएँ हैं और पूरा पूरा रास्ता है इसमें अंदर जाने का, बस दिखाने का फर्ज था हमारा, लेकिन हम इतना रिस्क नहीं ले सकते। एक इतनी दूर घर से आए हुए हैं और फिर ऊपर से अंदर जाए हैं। अभी दीपक और भाई भी आए हुए हैं द्वारका से, वो फोटोशूट कर रहे हैं भाई का, और नीचे झरना जा रहा है, आप चेक कर सकते हो। ओ माय गॉड भाई, बड़ी अच्छी लग रही है, मतलब पहली बार मैंने गुफा देखी है। तो अगर ये गुफा आपको वीडियो अच्छी लगी हुई गुफा वाली, तो प्लीज़ मुझे लाइक करके बता देना और कमेंट करके बता देना, ठीक है? और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को भाई, अगर आपको ऐसी ऐसी वीडियो चाहिए, ठीक है? तो कर लो भाई, कर लो भाई, प्लीज़ कर लो। भाई आए हैं द्वारका से, ठीक है भाई? भाई नाम क्या है? भाई नाम करण है। भाई का नाम करण है, और आपका नाम भाई? भाई, भाई भी दिल्ली से आए हुए हैं, द्वारका सेक्टर 6 से। और भाई जी, भाई का इंस्टाग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, ठीक है? और भाई भी यूट्यूब पे आने वाले हैं बहुत जल्दी, ये भाई भी आने वाले हैं। और ये तो हमारे पास शख्स बहुत खास हैं, ये तो आते ही आते हैं हमारे साथ। तो मैं ये कह रहा था, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको बहुत कम सामान लेके आना है यहाँ पे इधर बोल रहा हूँ। अगर आप आ रहे हो तो अपना होटल में सामान रख के आना, सामान कैरी मत करके लेके आना है, क्योंकि यहाँ पे 50 रुपये का ये लॉकर मिलता है, बड़ी छोटा सा, और 150 रुपये का मिलता है थोड़ा बड़ा सा, जिसमें आप एक बैग रख सकते हो, ठीक है? और अपने नेक बैग रख के लेके आना वहीं से, क्योंकि भाई खूब खर्चा करो, ठीक है? मेरा कहना तो ये रहेगा, अपने वहीं से रख के लाओ, नहाओ धो, एक जोड़ी कपड़े लेकर पहनो और निकल जाओ, खूब खर्चा करो फालतू का, मेरा कहना ये रहेगा। ये हमारी ट्रिप 450 रुपये में अब तक हो चुकी है, अपने घर से यहाँ तक की 450। सोच रहे 450, 500 रुपये की टिकट। भाई से पूछते हैं, भाई आया बस से, भाई कितने रुपये की टिकट थी हमारी? 500 की। और हम यहाँ कितने में आए? 450 रुपये में, बल्कि खाना पीना खा के रुक के। और एक दिन आपको पता ही है, जब एक दिन पहले आ गए थे यहाँ पे, देख लो 450 रुपये कुल खर्च हुए हमारे यहाँ पे। वो भी नहीं, हमारे मतलब जैसे हमने अपना जितना कम खर्चा करा ना, 450 अगर बाइक से या स्कूटी वगैरह से आ रहे हो, तो भाई काम करना, आप पहाड़ों पर आ रहे हो तो भाई पहाड़ों का कभी भी मौसम बिगड़ सकता है, कभी बारिश पड़ सकती है, कभी धूप निकल सकती है, ऐसा होता है। तो काम करना, आप रेनकोट रख के लाना, ठीक है? अपनी अपने अपने फ़ोन के लिए वाटरप्रूफ केस लेके आना, जैसे मैं लेके आया था, देखा ना अपनी वीडियो में, तो बात वैसे वाटरप्रूफ केस लेके आना जो टच काम कर सके, ठीक है? और अपने जूतों के लिए पन्नी लेके आना, और बैग अगर वाटरप्रूफ नहीं तो बैग के लिए पन्नी लेना, जैसे हमने पन्नी लेके ली बैग, उसमें पन्नी डाल के हम ले आए, हमारा बैग वाटरप्रूफ, क्योंकि बारिश पड़ी लेकिन बैग के अंदर पानी नहीं गया। जितने पहाड़ों के ऊपर चलोगे उतनी महंगाई होती जाएगी, तो वही वाली बात है। जो हमारे यहाँ कॉफ़ी मिलती है 10 रुपये की, वो मिल रही है हमें यहाँ पे 40 रुपये की, मैगी मिल रही है 40 की, मसाला मैगी 50 की, चाय मिल रही है 15 रुपये की, कुरकुरे जो मिल रहे हैं 20 रुपये के 10 वाले, तो समझो मेरी बात। वो तो नीचे ही खा लेना, ऊपर मत खाना, क्यों पैसे वेस्ट कर रहे हो? अगर आप 4-5 बंदे हो वही नीचे ही खा लेना, क्या पता आपका 500-600 खर्चा यहीं बैठ जाए। तो हम आ चुके हैं, जैसे कि आपने हमें ऊपर गुफा दिखाई थी, हमने आपको वहाँ पे ऊपर अभी ऊपर एक गाय पे हमने दो गुफा दिखाई थी, तो वो गुफा यहाँ पे भी है, और यही गुफा का पानी नीचे आ रहा है बहता हुआ, और यही पानी इसमें जाके मिल जा रहा है, ठीक है? मेरी वो गुफा देख लो भाई। तो हमने ये शीतल जल ले लिया है, तो घर ले जा रहे हैं हम इसको, तो इस पर लिखा है गंगा जल, लेकिन गंगा जल नहीं है, और ये पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले चलते हैं स्कूटी की तरफ, तो ये खड़ी हमारी स्कूटी, ठीक है? पूरी साफ़ सुथरी, धुली धुलाई, और हमारे यहाँ से चलने का टाइम हो चुका है। ये रोड का काम चल रहा है इधर, और ये पहाड़ी की चोटी, और ये सारी पहाड़ देख लो, इतने ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं, और ये पहाड़ी की बादल की परछाई आ रही है, जो देख लो उधर बादल, सूरज की रोशनी है, उधर बादल की परछाई,
और वो मंदिर है जो मैंने आपको बताया था, और हमारे यहाँ से चलने का टाइम हो चुका है और दो भाई को अलविदा कहने का टाइम आ चुका है और हम यहाँ से चलते हैं। यहाँ की विशेषताएं बता दी है सारी, ठीक है, और मेरे सामने झरना वगैरह भी दिखाऊंगा मैं एंड में। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो का दूसरा पार्ट अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, ताकि जिसको कोई परेशानी हो वो यहाँ पे आके अपनी परेशानी शॉर्ट आउट कर सके। और हम निकल रहे हैं अपने घर की तरफ, ठीक है, हमने ग्लव्स पहन लिए, पूरा सारा काम हो चुका है, मतलब तैयार, मतलब पूरा, मतलब सारे सिस्टम लगा लिए और घर निकलते हैं फटाफट से, तीसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। और तो चलो 3, 2, 1 एक्शन कैमरा पे, टिल देन बाय।